नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। प्यारी और क्यूट सी आकांक्षा अवस्थी, जिसे लोग काफ़ी प्यार देते आ रहे हैं, और जब उन्होंने भोजपुरी में एंट्री की, शायद मन में थोड़ा सा डर रहा होगा कि लोगों का प्यार, क्योंकि भोजपुरी दर्शकों का जिन लोगों पे प्यार कैसे मिल पाएगा, लेकिन उस पर भी जगह कहीं ना कहीं बनाना स्टार्ट कर दिया है आकांक्षा जी ने, क्योंकि दबंग सरकार का सेकेंड टीजर आया हुआ है और उस टीजर में आकांक्षा अवस्थी का एक लुक नज़र आ रहा है और लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। तो आकांक्षा अवस्थी कितनी खुश है इस बात को लेकर, हम उनसे जानते हैं। हाय, मैं बहुत खुश हूँ। और रहा प्यार की बात, तो प्यार तो जितना मिले उतना कम होता है। मेरा अकाउंट कभी प्यार से नहीं भरता, मैं तो सोचते रहती हूँ मेरा अकाउंट भरते जाए भरते जाए भरते जाए, मैं ढेर सारा सा प्यार लेते रहती हूँ, और तभी तो आपको ना वो प्यार इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए। और ये हमारा थर्ड टीज़र है, फर्स्ट और सेकंड टीज़र ऑलरेडी आ चुका था, जिसमें केसारी जी के लुक रिवील करे थे। इसमें भी हमारे केसारी जी हैं, जो एकदम रोमांटिक हीरो के जैसे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, और ऑब्वियसली इसमें आपने मुझे देखा है और मुझे सबने बहुत सारा सा प्यार दिया और मैं बहुत 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 खुश हूँ इससे। आकांक्षा को जब हम मिलते हैं तो एक अलग लुक होता है, जब हम सीरियल पे जाते हैं तो कुछ अलग लुक होता है, और जब हमें एक टीज़र में एक लुक देखने को मिल रहा हो, बहुत ही खास लुक, जब आपको ड्रेसिंग दिया गया था वो साड़ी और ये, तो ये लुक आपको जब आया तो आपको कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम वर्सटाइल एक्ट्रेस एंड मुझे ड्रेसअप होना अच्छा लगता है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे जो कैरेक्टर मिलता है, चाहे वो इश्क में मरजावा में भाभी नेगेटिव हो या पॉजिटिव विडो भाभी हो, चाहे वो हो और चाहे ये हो, चाहे मैंने ये जो दबंग सरकार में, तो आप देखेंगे, और फिलहाल तो जिसमें मुझे आप लोगों ने साड़ी में और इसमें देखा हुआ है, सूट में देखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक मेरे डायरेक्टर ने बोला था, ये तुम्हारा लुक है एकदम सिंपल सोबर, तुम्हें इसमें आना है, तो मैंने कहा ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली मेरे मेकअप एंड हेयर ने मुझे रेडी कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रेडी होने के बाद भी मैं भी बहुत फ्रेश फील कर रही थी कि वाह, मुझे कुछ नया मिला करने के लिए, तो अच्छा तो लगता है और लोगों को बहुत अच्छा लगा, तभी तो लोग मुझे कातिलाना बोल रहे थे इतने इतने सॉफ्ट लुक में भी, मैं भी लोग मुझे कातिलाना बोल रहे थे, कुछ मुझे क्यूट बोल रहे थे, एक तो ये क्यूटी पाई होने का तो टैग ही नहीं हटता मुझ पर से, मैं सोचती हूँ कोई बोले मुझे मीन्स यार लुक हॉट सेक्सी, आई नो मीन्स लाइक इन अ पॉजिटिव वे, बट लोग मुझे क्यूटी पाई बोलते रहते, बट आई एम हैप्पी विद द क्यूटी पाई ऑल्सो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने तो बवाल बोला, आफत बोला, मतलब इतने सारे नाम मिल गए। हाँ, बहुत सारे नाम मिले मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी देखने को मिला है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब केसारी जी के साथ जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है आकांक्षा जी की, तो ये जोड़ी अब हमेशा दर्शकों को नजर आएगी। सिर्फ प्यारी नहीं, जोड़ी हिट हो गई है यहाँ, लोगों ने तो बोला है केसारी जी के साथ मेरी जोड़ी हिट रहेगी। इवन बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ केसारी जी के साथ ही पिक्चरें करनी चाहिए, मीन्स फैंस तो ये चाहते हैं कि मैं कहीं और काम ही नहीं करूँ, मैं सिर्फ केसारी जी के साथ काम करूँ, बट ये भी अच्छी बात है कि लोग मुझे इस तरीके से देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये सारे मीन्स केसारी जी के साथ पिक्चरें करूँ। डेफिनेटली मुझे आगे काम करना है, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। आपने जिस तरह से बताया कि लोग चाहते हैं कि आप हमेशा केसारी जी के ही साथ काम करें, कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमें इनके साथ काम करना है, तो हिंदी को छोड़ के अगर हम भोजपुरी पे बात करें, क्योंकि अभी आप भोजपुरी में छाई हुई हैं लोगों के बीच, तो मतलब भोजपुरी में बहुत सारे सुपरस्टार हैं, तो उन लोगों के साथ में ऐसा कोई नाम जिनके साथ आप काम करने के लिए अगर आपको ऑफर आता है तो आप करेंगे, जैसे पवन जी हैं या दिनेश जी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पवन जी के साथ भी काम करूँगी, मैं दिनेश जी के साथ भी काम करूँगी, मैं रवि किशन जी के भी साथ काम करूँगी, और इनसे तो मुझे ये हमारी इंडस्ट्री के इतने पुराने दिग्गज हैं, इनको कह सकती हूँ मैं, इनको इतना सब कुछ आता है, मुझे तो इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली इनके साथ काम करूँगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।